पूरे संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो सब को लेकर हमको यही छोड़ के जाना है। मुझे हेलो यू प्लीज कीप क्वाइट यू प्लीज। तो हम लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, सीमित समय। मुझे ये कहना है कल से हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं जी, खाली कपड़ा नया बनाने से सर नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा। बोली आज हमारे इस पुराने घर का आखिरी दिन है, कल हम लोग सब नए घर की तरफ जाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि पुराने घर में रहते हुए गए नए साल से संविधान के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है, सर मैं खिलवाड़ कहूंगा गुस्ताखी की माफी के साथ, पूरे संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो सब को लेकर हमको यही छोड़ के जाना है। मुझे हेलो यू प्लीज कीप क्वाइट यू प्लीज। तो हम लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, सीमित समय। मुझे ये कहना है कल से हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं जी, खाली कपड़ा नया बनाने से सर नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा। हम लोगों को पुराने मामलों को भूलकर नए बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, नए लोगों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और दूसरों के लिए दिल खोल के काम करना पड़ेगा। इलेक्शन सामने है, ये तो ये पब्लिक है, सब जानती है। सर आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मोदी जी ने बोल दिया, सर प्लीज मोदी जी ने आज बोल दिया। पहले मरतबा सत्र में अगर मोदी जी पहले दिन से बोल देते एक दो मिनट के लिए, 18 दिन का हमारा सत्र चलता और ये काम होता। आज उन्होंने बोला, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और G20 के लिए भी और चंद्रयान पे जाने के लिए भी हम लोग शुक्रगुजार हैं, लेकिन नया बिल्डिंग बदलने से नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा, दिमाग बदलना पड़ेगा, इस मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए सबको इरादा करना पड़ेगा। पहला मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता कि तुसी मैनू 75वें